हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और गाइस, मैं बजरंग इंसान बजरंग रहेगा, इंसान के जगह कुछ और डालने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। अगर आप लोग के पास अगर कुछ है तो प्लीज बजरंग के आगे मैं क्या लगाऊँ वो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इंसान में हटाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा अलग सा रहना चाहिए। बजरंग रहेगा, बजरंग रहेगा, लेकिन बजरंग के आगे अगर देखते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वही देखेंगे। अगर अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में बताओ अगर अच्छा है तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो भी खास लेके आया हूं मैं। आज का वीडियो है कि जैसे कि बहुत लोग जो है ना, सिर्फ मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मैं भी वैसे ही पहले करता था, बहुत पहले, हमको लग रहा है 2 साल पहले मैं भी मंगलवार और शनिवार को पढ़ता था। और लेकिन मंगलवार और शनिवार को ही मत पढ़िए, सिर्फ मैं बोलूँगा रोज स्टार्ट कर दीजिए सुबह सुबह पढ़ना रोज। और कोशिश कीजिए कि याद हो जाए, और याद भी हो जाए तब भी किताब से देख के ही पढ़े। और रोज पढ़ने, जैसे कि मंगलवार और शनिवार को पढ़ते हैं, ठीक है, मंगल सातों दिन पढ़िए, बहुत ही फायदा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप सातों दिन पढ़िए, और भी अच्छा से पढ़िए। एक एक शब्द अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किताब देख के पढ़िए, तो बहुत ही फायदा रहेगा आपके लिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ मंगलवार और शनिवार को पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि रोज पढ़िए, बहुत ही फायदा, आपको खुद आपको फायदा दिखेगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि आप मेंटली आप मजबूत हो जाएंगे, और आपको भय नहीं लगेगा, आपको एकदम अच्छा सा एकदम एनर्जिक फील लगेगा, पॉजिटिव महसूस होगा, आपको निगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं मंडराएंगे, और बजरंग बली आपके साथ रहेंगे। बस यही बोलूँगा मैं कि आप लोग डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, बस हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़िए। पहले राम नाम का गुण गा के, और मैंने बताया था कि राम स्तुति करके उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर याद नहीं है लेकिन तब भी कोई बात नहीं, राम नाम का 11 बार नाम ले लीजिए, 5 बार नाम ले लीजिए, 1 बार भी नाम लेके जय श्री राम लेके उसके बाद स्टार्ट हो जाइए श्री गुरु चरण सरोज रज। और एकदम स्पीड में नहीं पढ़ना है श्री गुरु चरण सरोज मन कुशधारी। अगर कहीं पर इमरजेंसी है, ज़्यादा कुछ है तो उसमें चलेगा, कोई बात नहीं, प्रभु माफ़ करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी हो जाता है, जैसे कि दिन में 12 बजे से पहले पूजा करना पड़ता है, तो वही 5 मिनट बचता है ना, तो मैं भी जल्दी पढ़ के फिनिश कर देता हूँ, कभी कभी होता है, लेकिन रोज़ नहीं करना है। तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ डेली नित्यम दिन कीजिए, ठीक है, डेली कीजिए, आप लोग को फ़ायदा खुद पे खुद दिख जाएगा। फ़ायदा क्या खोजना है किसी चीज़ में, बस अपना कर देना है और क्या। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आपको जो एक एनर्जी फील लगेगा, आपको आप निडर हो जाएंगे, मतलब किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं, किसी चीज़ का कुछ नहीं लगेगा आपको। तो आप लोग ये करके देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा रहेगा आप लोग को, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो डू यू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय 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 बाय।